महकमे पुलिस के बड़ों ने वादे पूरे न किए, पुलिस शहदा के वर्षा सड़कों पर आ गए, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, शहदा के बच्चों को महकमे में भर्ती नहीं किया जा रहा, पंजाब पुलिस अपने शहीदों को भूल गई, मुजाहिरीन। एहतजाज के बाद शिमला पहाड़ी के इतराफ में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगने पे शहरी फंस गए। गैर कानूनी भर्तियों का केस, साबिक वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान समेत 6 मुलजिम बगैर हथकड़ी नैब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने साबिक वीसी डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तुलबा और असातजा की बड़ी तादाद उस्ताद को इज्जत दो के बैनर्स उठाए कमरे अदालत के बाहर मौजूद रही। दहशत गर्दी की अदालत ने कब्जा माफिया मंशा बम और इसके बेटों को 9 नवंबर तक जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की मुकम्मल फाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स की नचकारी, शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स एहतजाजन बंद। लाहौर के 150 से जायद मुलाजमीन धरने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। मुनाफे में चलने वाले इदारे को जान बूझ कर तबाह किया जा रहा है, मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर्स। गद्दारी केस, नवाज शरीफ क्यों हाजिर नहीं हुए, लाहौर हाई कोर्ट बरहम। देखें, शाहिद खाकान अब्बासी अदालतों का एहतराम करते हैं तो यहाँ मौजूद हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार, पहली समाअत पर तासुर मिला कि नवाज शरीफ को बस एक बार पेश होना है। वकील, आपने गलत तासुर लिया, आइंदा पेश ना होने पर दरख्वास्त दें, अदालत मामले को देख लेगी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्या मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ ही मुजरिम है? पीटीआई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती तो 5 साल पूरे नहीं करने चाहिए। गैस की कीमत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, साबिक वज़ीरे आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू। सियासी दबाव या कुछ और, लाहौर की सफाई सुथराई के लिए सियासी नुमाइंदों के बगैर बनाया गया LWMC का नया बोर्ड, सिर्फ 4 रोज बाद ही तहलील। सीनियर सूबाई वजीर से मुशावरत के बगैर बनाए गए 10 रुकनी बोर्ड के आड़े सियासी सिफारिशात आ गई। नुमाइंदगी ना मिलने पर सियासी शख्सियात ने तहफुजात का इजहार किया था। जराए सीनियर वजीर जल्द बोर्ड तश्कील देंगे, वुजरा और मेम्बरान असेंबली शामिल होंगे, तर्जुमान सीनियर वजीर। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, हुकूमती खजाने पर भारी, एक्सिम बैंक चाइना का मंसूबे के इंतजामी लागत देने से इनकार। नागहानी आफत की मद में रखी गई रकम हुकूमत अपने खजाने से अदा करेगी, एक्सिम बैंक चाइना रकम देने का पाबंद नहीं, मुआहदे में इंकशाफ। लाहौर न्यूज दस्तावेजात सामने ले आया, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने रकम के हसूल के लिए हुकूमत को मरासला लिख दिया। पंजाब असेंबली का आज अजलास, 6 अराकीन की मुअत्तली के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में तल्खी खत्म ना हो सकी, दोनों ने ही अलग अलग मुशावरत तलब कर ली। हमजा शहबाज की कयादत में अपोजिशन अपना लाहे अमल तय करेगी तो हुकूमती को कोर टीम भी मुशावरत के लिए सर जोड़ कर बैठेगी। आज दोपहर 2 बजे होने वाले असेंबली अजलास में हंगामा खेजी का इम्कान, स्पीकर परवेज इलाही अजलास के सदारत के लिए पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात, पंजाब असेंबली के बजट सेशन पर मुशावरत, दोनों रहनुमाओं के माबैन अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़हनी तनाव, असाबी कमजोरी, फवाद हसन फवाद को जनरल हस्पताल में तिबी मुआयना, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेल की बस में हस्पताल लाया गया, मुलजिम के ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI और दीगर टेस्ट किए गए। 5 साल बच्ची से ज्यादती का मुलजिम लाहौर हाई कोर्ट के अहाता से फरार, अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज की तो मुलजिम जवाद अनवर ने अदालत से बाहर निकलते ही दौड़ लगा दी, मुतासिरा बच्ची और इसके वालिदैन मुंह तकते रह गए, मुलजिम को किसी ने पकड़ने की कोशिश तक न की। मुलजिम के खिलाफ थाना मंडी फैजाबाद में ज्यादती का मुकदमा दर्ज है।
अदालती बेलफ की थाना शहदारा में कार्रवाई, गैर कानूनी हिरासत में रखे गए दो शहरी बासियाब हुसैन अली और आबिद अली को थाने में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया था, शहरियों को सेशन अदालत में पेश कर दिया गया। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की तैनाती लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का मामला, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने केस की किसी दूसरे बेंच में भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद यावर अली के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस, जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक, जस्टिस अली अकबर कुरैशी, जस्टिस सरदार शमीम खान, जस्टिस मामून रशीद, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस कासिम खान और दीगर जजेस शरीक। जस्टिस यावर अली आज रिटायर्ड हो जाएंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस अनवारुल हक नए चीफ जस्टिस होंगे, कल ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे। पार्टनर स्कूल्स का फंड्स न मिलने पर एहतजाज का ऐलान, 4 माह से स्कूल्स को फंड्स नहीं दिए गए। वजीर तालीम ने 20 अक्टूबर तक अदायगियों का वादा किया था, पंजाब हुकूमत 30 अक्टूबर तक तमाम अदायगियां कर दे वरना सूबे भर में एहतजाज होगा, शबीर हाशमी। मोटरसाइकिल चलाने और साथ बैठने वाले के लिए हेलमेट की पाबंदी के बाद बैक मिरर भी लाजमी, वरना 1 नवंबर से होगा चालान। सिटी ट्रैफिक पुलिस बैक व्यू मिरर की अफादियत बारे शहरियों को आगाह करने के लिए माल रोड पर कैंप लगा लिया, शहरियों में फ्री बैक व्यू मिरर भी तकसीम। 1 नवंबर से साइड मिरर्स ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, CTO कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जिमनी इम्तिहान का आगाज, 38,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान देंगे। आज कंप्यूटर साइंस, होम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, सोशियोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी का पेपर लिया जाएगा। और अदाकारा शमीम रेशम की आज सालगिरह, दोस्तों के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा, खुशियों में शरीक होने पर दोस्तों का शुक्रिया अदा भी किया।